हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ एग्रो वेंचर्स पे। और दोस्तों जैसा कि ये देखिए, अभी हम कारखाने में अपने प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने एक्सपेलर में अपने चैम्बर को दोबारा से फिल कराया है, वर्म चेंज किए हैं और थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज की थी, तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली अभी हमारी लगभग 10 क्विंटल के आसपास पिराई हो चुकी है, 10 क्विंटल के आसपास क्या 15 के आसपास हम पहुँच रहे हैं, तो वही आज हम सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लास्ट तक वीडियो हमारा देखते रहिए और वीडियो देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। तो हम इसमें आज आपको सारी चीज़ें दोस्तों दिखाएंगे कि वर्म चेंज करने के बाद में और जो हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, इन सब को हम चेंज करने के बाद में हमारा रिज़ल्ट क्या रहा, हम एक घंटे में कितना एवरेज ले रहे हैं, हमारा जो एम्पियर होता है वो कितना लोड, मतलब एक्सपेलर कितना लोड पे चल रहा है और हमारा ऑयल का परसेंटेज क्या है, एक घंटे की निकासी क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो में आप बने रहिए और चैनल को प्यार दीजिए, हमें प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अभी देखिए, जो हमारा वर्कर है इसमें अपना जो भी लगभग अराउंड हम 2.5 पीपा के आसपास इसमें सरसों डालते हैं हमेशा। 2.5 पीपा मीन्स 12 केजी एक पीपे में आता है, तो 12, 24 और आधा पीपा और 6 केजी के आसपास, तो 30 केजी के अराउंड हम अपनी एक घान बनाते हैं। तो हमने उसको टाइमिंग से कैलकुलेशन किया कि कितनी देर में हमारी एक है जो मतलब राउंड निकल रही है, और अभी चूंकि थोड़ा सा मामला नया है, हालांकि मिस्त्री ने बोला कि अभी ज़्यादा प्रेस करके ना चलाइएगा, लेकिन वही है ना कि अपना मन नहीं मानता है। मैंने बोला कि मेरे को बिल्कुल पतली खल चाहिए, तो हालांकि मैंने शुरुआत से ही जब हमारा एक्सपेलर का रिपेयरिंग हुआ था, ये देखिए दोस्तों अभी हम एम्पियर दिखाते हैं आपको, ये हमारी अभी 700 क्रस हो रही है। तो मैं बता रहा था कि जो फर्स्ट डे हमारा जो था, जिस दिन सारा काम हुआ था, तो उसके नेक्स्ट डे से ही हमने इसमें प्रेस दे के बिल्कुल पतली खल निकालना शुरू कर दिया था। और तेल की दोस्तों आप धार देखिए, कितनी मोटी तेल की धार हमारी गिर रही है और बहुत अच्छा तेल निकल रहा है हमारा फ़िलहाल, और परसेंटेज भी तेल का लगभग पूरा निकल रहा है। अभी तो मैंने इसमें एक पायनियर की सरसों को इसमें डाल के क्रस किया था, तो पूरा उसका वेट करके मैंने किया था, तो उसमें अराउंड 34 केजी के आसपास तेल हमारा पूरा निकला था। 34 केजी कुछ ग्राम था, 100, 150 या 200 ग्राम कुछ निकला था, तो मोटा मोटा 34 किलो पूरा तेल हमें मिला था उसमें। और पर आवर का जो हमारा एवरेज है, एक घंटे में हम कितना क्रस कर रहे हैं, तो दोस्तों वो हमारा सेम एवरेज हम निकाल रहे हैं, 90 केजी पर आवर, 90 किलो एक घंटे में हम क्रस कर रहे हैं। और लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत अभी है कि जैसे कि अभी वर्म हमारे नए हैं, तो हमको चौथी बार भी डालना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा चौथी बार डालने का मतलब है थोड़ा सा एवरेज हमारा पर आवर का डाउन हुआ। जैसे हम 90 निकाल रहे थे, तो अभी हमारा 80 के आसपास निकल रहा है, 80-85 के आसपास, क्योंकि लास्ट में बहुत स्पीड में निकलता है, जो लास्ट हमारा राउंड चलता है तो उसमें काफ़ी स्पीड में खल हमारी निकलती है, तो एवरेज का कोई उतना फ़र्क नहीं है। और मे बी 1-1.5 महीने में थोड़ा सा वर्म जब हमारे हल्के से, अभी तो बिल्कुल कॉर्नर में उनकी धार है बिल्कुल, जब वो थोड़ा सा गोल हो जाएंगे तब फिर से मतलब वही सेटिंग हमारी आ जाएगी कि तीसरी बारी में कुछ तेल गिरता ही नहीं है, एक बूंद भी नहीं गिरती है तीसरी बार में, दो बार में पूरा तेल हमारा निकल आता है।
तो ये सब दोस्तों मेरे मैंने जो सेटिंग कराई या मिस्त्री ने अपने हिसाब से जो किया उसमें, तो अभी तक तो हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी और बढ़िया चल रहा है, बढ़िया हमारा अच्छे से जो एवरेज एक्सपेलर हमारा दे रहा है। और आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिए, कारखाना में पूरा आपको दिखाता हूँ। सरसों हमारी लगी है, खल भी है, फिल्टर का काम, फिल्टर भी हमारा चल रहा है, सब पूरा एम्पियर भी दिखाऊंगा आपको, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए और वीडियो पे हमारे बने रहिए, देखते रहिए। और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही मतलब एक अहम मुद्दा है। हम आप जो हम लोग छोटे स्तर पे हम लोग जो ये ऑयल का काम करते हैं इनके लिए बहुत एक अहम मुद्दा है। तो इसमें एक सजेशन आप लोगों का मुझे चाहिए, तो मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, मैं क्या सोचता हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो वो मतलब आप लोग प्लीज़ उस टॉपिक पे मुझे सजेस्ट करिएगा, बताइएगा कि क्या कैसे करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, सारी चीज़ें समझिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।